आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले सीयूटी एग्जाम 2023 के फोर्थ फेज वाले स्टूडेंट के लिए, जिनका सिटी इंटीमेशन वाला स्लिप 31 मई को डाउनलोड होना था, ये ऑफिशियल अपडेट था, लेकिन अभी तक से कोई भी अपडेट नहीं है, कोई भी सिटी इंटीमेशन वाला स्लिप डाउनलोड नहीं हो रहा है। आखिर क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीजन क्या, क्या एग्जाम कैंसिल फिर से हो चुका है, रिशेड्यूल हो जाएगा एग्जाम, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का डाउनलोड हो रहा है तो फिर जिनका नहीं हो रहा, क्या उसका एग्जाम वाकई में कैंसिल हो गया, उसका फॉर्म कैंसिल हो गया, उसका सीयूटी एग्जाम अब नहीं होगा, इन सभी पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल है, व्हाट्सएप हो या फिर यूट्यूब हो या फिर टेलीग्राम हो, सभी जगह स्टूडेंट हमें कमेंट पर कमेंट कर रहे हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आपको सारे क्वेश्चन का जवाब मिल सके, ठीक है। और एक कॉमन सवाल ये भी है कि सर फोर्थ फेज का जो एग्जाम डेट है वो एक्चुअल डेट कब है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है कि 2 जून के बाद जो थर्ड फेज का एग्जाम डेट खत्म हो जाएगा उसके बाद 3 जून से स्टार्ट होने वाला है, लेकिन वाकई में ये 100% नहीं है, 3 जून आपका फोर्थ फेज नहीं है। तो कब होगा, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया था कि UGC के जो चेयरमैन है जगदीश कुमार, उन्होंने एक ट्वीट करके बताया था, साफ साफ यहां पर लिखा है, और इनके द्वारा जो भी कुछ ट्वीट किया जाता है वो 100% रियल होता है। इसके ट्वीट के बाद फिर ऑफिशियल नोटिस आ जाता है, उसके बाद फिर सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जो डेट ये बताते हैं। इन्होंने बताया था कि NTA के द्वारा काम चल रहा है, जो फोर्थ फेज का जो सिटी इंफॉर्मेशन वाला स्लिप है वो 31 मई को डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने देखा कि चलिए 31 मई को चेक करते हैं, रात के 12 बजे तक, सुबह तक देखे, आज 1 जून हो गया लेकिन अभी तक से कोई भी अपडेट नहीं आया हुआ है, कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। क्या है इसका रीजन, हम लोग यहां पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर जान लेते हैं। अभी अगर बहुत सारे स्टूडेंट चेक कर रहे हैं कि सिटी इंफॉर्मेशन वाला डाउनलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो जैसे वो वेबसाइट में चेक करते हैं उसके बाद इस प्रकार से उनका इंटरफेस नजर आ रहा है, ठीक है, यहां पर इस टाइप से लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये सवाल उठ रहा है, क्या मेरा अब नहीं आएगा, क्या कैंसिल होगा। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ट्वीट करके तो बता दिए यूजीसी के चेयरमैन 31 तारीख से होगा, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट का फोर्थ फेज का सिटी इंटीमेशन नहीं डाउनलोड हो रहा है, सभी का यही अपडेट आ रहा है, ठीक है। आप ये मत समझिए कि आपका नहीं आ रहा है तो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया, आप टेंशन में हो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, किसी का भी नहीं आया है। रियल में अगर बात करें तो ये NTA का एक फेलियर है, ठीक है, NTA ने ट्वीट कर दिया पहले लेकिन कोई भी काम यहां पर प्रोसेस में नहीं है, तो ये एक फेलियर है, किसी का भी नहीं आया है, याद रखिएगा। आप लोगों का अगर अभी तक से नहीं हो रहा है तो टेंशन नहीं लीजिए। फोर्थ फेज का जो एग्जाम डेट है, सबसे पहले समझिए कि फोर्थ फेज का एग्जाम डेट कब है, तो फोर्थ फेज का जो एग्जाम डेट है यहां पर साफ साफ ट्विटर में लिखा गया है कि 5 जून से स्टार्ट होगा। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि सर 2 जून तक तो चलेगा थर्ड फेज का एग्जाम, तो फिर 3 जून और यहां पर 4 जून को क्या होने वाला है, तो 3 और 4 जून का जो गैपिंग है इसमें मणिपुर वाले, ठीक है, वहां पर उनके स्टेट में कुछ इशू था, कुछ प्रॉब्लम था जिस कारण से उनका एग्जाम को रिशेड्यूल किया गया था, या फिर कुछ कारण से वहां के स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए थे, ठीक है, उसी के लिए यहां पर 3 से 4 तारीख के बीच में उनका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है, इसलिए यहां पर 5 जून से फोर्थ फेज का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। इसका मतलब 5 जून आपका फोर्थ फेज है, ठीक है, तो सिटी इंटीमेशन वाला स्लिप तकरीबन 8 दिन या फिर 5 दिन पहले आता है, इसका मतलब 31 तारीख को आ जाना चाहिए था लेकिन अभी तक से नहीं आया है, किसी का भी नहीं आया, ठीक है, आप लोग पैनिक नहीं होना है, किसी का भी नहीं आया, तो फिर कब आएगा। अगर देखा जाए तो 1 जून यानी आज के आधी रात को, या फिर हो सकता है 2 तारीख से पहले, 1 और 2 तारीख से पहले, ये दोनों डेट में 100% आपका फोर्थ फेज का सिटी इंटीमेशन वाला स्लिप डाउनलोड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यार 5 जून से एग्जाम है, उसके 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आता है, तो 3 दिन अगर पहले इसको अगर काउंट किया जाए 2 जून हो जाता है, ठीक है। अब समझिए अगर 2 जून का सिटी इंटीमेशन स्लिप ही नहीं आया है तो फिर वो एडमिट कार्ड कब डाउनलोड करेंगे, इसका मतलब यहां पर 100% आपका स्लिप आ जाएगा, ठीक है। और जिनका अगर नहीं भी आता है ना तो भी आपको पैनिक नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम 5 जून से आगे तक चलेगा, ठीक है, 5 जून से आगे तक चलेगा, हो सकता है आपका 7 जून में हो, 8 जून में हो, तो हो सकता है कि 7 जून से 3-4 दिन, 5 दिन पहले आपका सिटी इंटीमेशन वाला स्लिप डाउनलोड हो जाए, उसके बाद 2 या 3 दिन या फिर देखा जा रहा है अभी मैक्सिमम 1 दिन पहले भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहा है, तो आपको ऐसे ही चेक करते रहना है, ठीक है। तो बिंदास रहिए, बेफिक्र रहिए, आपका एग्जाम 100% कंडक्ट होगा, ये 100% गारंटी है, ठीक है। अभी नहीं आया लेकिन 100% आपका फोर्थ फेज का सिटी इंटीमेशन वाला स्लिप आ जाएगा, किसी का भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। जो भी नए व्यूअर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही कुछ अपडेट आता है सिटी इंटीमेशन से रिलेटेड मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।